एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बारिश हो रही होती है। आना की आंखें खुल चुकी होती है, वो आगे बढ़ती है और वो देखती है योहान को। योहान आना की तरफ देखता है और अपने माथे के ऊपर उंगली रखता है और बोलता है शूट मी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर एंड मिसेस लीवर्ट को देखते हैं। मिसेस लीवर्ट बोलती है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है और आना का हेडबैंड ठीक करती है और उसका हाथ पकड़ के उसको मीडिया के सामने ले जाती है। मीडिया वाले धड़ाधड़ फोटोज खींचने लगते हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, जैसे कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, वगैरह 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 वगैरह। मिस्टर लीवर्ट बोलते हैं एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पे आज़ाद हूँ कुछ भी कहने के लिए। मेरे बच्चों के ऊपर मेरे बीवी की जो हंसी है उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं आना और योहान दोनों थोड़ा दूर चले जाते हैं खेलने के लिए, जहाँ पे योहान के हाथों में कुछ होता है। योहान बोलता है इन दोनों में से किसी एक को चूज करो। आना एक को चूज करती है, वो अपना हाथ खोलता है और हम देखते हैं शायद ये किसी तरह का वॉलनट होता है। इसके बाद योहान बोलता है फिर से कोशिश करो। आना फिर से चूज करती है और आना इस बार भी सही होती है, इसके हाथों में वॉलनट होता है। लेकिन तभी आना बोलती है अपना दूसरा हाथ दिखाओ और हम देखते हैं योहान के दूसरे हाथ में भी वही फ्रूट होता है। आना बोलती है अच्छा तो मैं हमेशा जीतने वाली थी, और तब योहान बोलता है हाँ बिल्कुल ये सब तुम्हारी ही तो है। इसके बाद आना और योहान दोनों स्माइल करते हैं और ये दोनों बैठ के इन फ्रूट को कलेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद आना बोलती है भाई क्या तुमने यहाँ के शहरों को देखा, यहाँ के शहर हमारे वहाँ के शहर से काफी अलग हैं। वहाँ पे बहुत खूबसूरत दुकान थे जिसके अंदर बहुत सारे खूबसूरत कपड़े और खिलौने थे, तुमने भी उन सबको देखा है ना। और इसके बाद योहान बोलते है कि हाँ मैंने उन्हें देखा है, वो सब भी तुम्हारे हैं आना। इसके बाद आना बोलती है क्या सच में, और योहान बोलता है कि हाँ वो सब तुम्हारे हैं। आना बोलती है लेकिन मेरे ही क्यों, और इसके बाद योहान बोलता है क्योंकि वो तुम्हारे हैं, मैंने कहा ना वो तुम्हारे हैं। इसके बाद हम देखते हैं रात में बारिश हो रही होती है, कोई दरवाजा खटखटाता है मिस्टर लीवर्ट का। मिस्टर लीवर्ट दरवाजा खोलते हैं, ये बंदा बोलता है मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था। और इसके बाद मिस्टर लीवर्ट बोलते हैं चलो अंदर आ जाओ। इसके बाद हम आना को देखते हैं जो बोलती है भाई मैंने किसी की आवाज सुनी, शायद कोई आया है भाई। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे योहान नहीं होता, ये आगे बढ़ने लगती है। तभी इसको आवाज़ सुनाई देती है गोली की, जिसको सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और ये टोटल 3 गोली की आवाज़ सुनती है। इसके बाद आना आगे बढ़ने लगती है, एक दरवाज़ा खुलती है और जैसे ही ये दरवाज़ा खुलती है ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इसके सामने इसके माँ बाप यानी कि मिस्टर एंड मिसेस लीवर्ट की डेथ बॉडी पड़ी होती है, किसी ने इन्हें गोली मार दी है। इसके बाद ये देखती है एक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ होता है, ये वहीं पे जाने लगती है। वहाँ पे योहान होता है जिसके हाथों में एक गन होता है। इसके बाद आना बोलती है भाई क्या ये सब तुमने किया, क्या हमेशा से तुम ही ये सब करते थे, अंकल जोसेफ और आंट क्लारा को तुम्ही ने मारा था ना, मिस्टर बोडेकर जब मर गए थे वो भी तुम्ही ने किया था ना, ये सब तुमने किया था ना, बताओ ये सब तुमने किया था ना। इसके बाद योहान बोलता है आज एक खास दिन था, मॉन्स्टर आया था। इसके बाद आना बोलती है तुम्ही ने इन्हें मारा है ना, तुम्ही ने इन सबको मारा है ना। और तब योहान बोलता है मॉन्स्टर हमें अलग करने के लिए आया था, और वो नीना को अपनी बंदूक दे देता है, अपने माथे पे उंगली रखता है और बोलता है मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मारने के बाद गन को कपड़े से पोंछ देना और उसको खिड़की से बाहर फेंक देना, याद रखना मेरे सर पे गोली मारनी है, मुझे गोली मारने के बाद तुम यहाँ से भाग जाना ताकि मॉन्स्टर तुम्हें ना पकड़ पाए, और अगर मैं मर भी जाता हूँ तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। इसके बाद आना गोली मार देती है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं नीना को, नीना बहुत घबरा चुकी होती है, वो बोलती है उस रात कोई आया था, उस मेंशन में कोई आया था। तब लिप्सकी बोलता है कौन आया था उस रात में, और इसके बाद आना बोलती है एक मॉन्स्टर, और इसके बाद आना भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं रेड रोज मैंशन पूरी तरह से जल चुका होता है, वहाँ पे पुलिस वाले फायर ब्रिगेड और बहुत सारे लोग जमा हो चुके होते हैं। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे आग लगी, किसी ने लगाया वगैरह वगैरह। और हम देखते हैं यहाँ पे टेनमा भी पहुंच चुका होता है, टेनमा को ढूंढते हुए दो बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर टेनमा जनरल वुल्फ तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद टेनमा वुल्फ से मिलने के लिए जाता है, वुल्फ अस्पताल में होता है, ऑलमोस्ट मरने की कगार पे होता है। टेनमा बोलते हैं वुल्फ मैं आ गया, और इसके बाद वुल्फ बोलता है टेनमा क्या ये तुम हो, और इसके बाद टेनमा बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ। इसके बाद जनरल वुल्फ बोलता है तो तुम्हें भी बुलाया गया था, मैं रेड रोज मैंशन में इंतजार कर रहा था लेकिन मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है, मैं बड़ी ही मुश्किल से प्राग पहुंचा हूं, मुझे योहान का लेटर मिला था। इसके बाद टेनमा बोलते हैं तो तुम्हें भी योहान का लेटर मिला था। इसके बाद वुल बोलते हैं योहान को छोड़ के मुझे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। इसके बाद वो गहरी सांसें लेने लगते हैं, तभी टेनमा बोलते हैं वुल्फ आपको और बातें नहीं करनी चाहिए,
लेकिन वुल्फ धीरे धीरे बोलने लगता है। वो बोलता है कि वो एक मिलिट्री फैमिली में पैदा हुआ था। जब वो पैदा हो गया था तभी से उसका रास्ता क्लियर था। सबको पता था कि वो मिलिट्री ज्वाइन करने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको जानता हो, सिवाय उस मॉन्स्टर के। मैंने सुना कि रेड रोज मैंशन जल चुका है, अब वो सब लोग मिलेंगे जिन लोगों का नाम उनसे छीन लिया गया है, जैसा मेरा नाम उसे छीन लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं सीन रेड रोज मैंशन का, जहाँ पे पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं और उन्हें पता लगा होता है कि सेकंड फ्लोर में आग लगी हुई थी और केरोसिन या फिर गैसोलीन की मदद से आग लगाई गई थी। तभी दूसरा पुलिस बोलता है क्या ये किसी ने लगाया है, और तब पुलिस वाला बोलता है कि जब तक हम ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। साथ में एक दीवार को तोड़ा गया है। इसके बाद दूसरा पुलिस बोलता है कि किसने तोड़ा, और ये बोलता है कि मुझे क्या पता। तभी यहाँ पे एक और पुलिस वाला आता है और बोलता है कि आओ मेरे साथ आओ, जल्दी मेरे साथ आओ। इसके बाद ये पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं। हम देखते हैं एक जगह पे इन्होंने गड्ढा खोदा होता है जहाँ पे बहुत सारे इंसानी हड्डियाँ होती है, जिसको देख के ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि हमने पहले देखा कि यहाँ पे कुछ था, हमने खोदा और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी इंसानी हड्डियाँ हैं। इसके बाद हम वड्डामैन और रिचवेन को देखते हैं जो यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। रिचवेन बोलते हैं ये सब कैसे हो सकता है, ये मैंशन इकलौता रास्ता था टेनमा को ढूंढने का। लेकिन तभी यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, वो तेजी से भाग रहा होता है और बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। ये जाता है अपनी वॉकी टॉकी के पास और हेडक्वार्टर को कॉल करके बताता है इस सिचुएशन के बारे में। वो बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी हड्डियां मिली है। इसके बाद विल बोलते हैं मैंने सुना है 1981 में रेड रोज मैंशन से अचानक से 46 लोग गायब हो गए थे। ईस्ट जर्मनी से थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, जहाँ से पता लगता है कि वहाँ पे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता था छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है वो मॉन्स्टर जरूर उसी मैंशन में पैदा हुआ होगा। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं योहान और आना को। आना बोलती है भाई बस और नहीं, अब मैं और नहीं चल सकती, मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख लग रही है। और तभी आना यहाँ पे गिर जाती है और बोलती है भाई हम यहीं पे मरने वाले हैं, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। और योहान बोलता है हमारे नाम नहीं है। तभी यहाँ पे एक ट्रक आती है, उस ट्रक के अंदर होता है वुल्फ। वुल्फ अपने सोल्जर को ब्लैंकेट और कुछ गर्म पीने के लिए उन बच्चों को देने के लिए बोलता है। वो सोल्जर इन बच्चों को बचा लेते हैं। इसके बाद वुल्फ देखता है इनके पास एक बैग होता है, उस बैग के अंदर एक पिक्चर बुक होती है और ये वही पिक्चर बुक होती है द नेमलेस मॉन्स्टर। वुल्फ इस पिक्चर बुक को पढ़ता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे का नाम योहान रखेगा। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे विल बोलता है उन बच्चों का कोई नाम नहीं था, मैंने ही उसका नाम योहान रखा था, लेकिन ये सब अतीत की बातें हैं, अब इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, चलो हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, लेकिन मैं खुद फ्यूचर नहीं देख पाऊंगा। तभी ये फिर से बहुत गहरी सांस लेने लगते हैं। टेनमा बोलते हैं विल बस बहुत हो गया, तुम्हें और बातें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद विल बोलते हैं इवा हाइनमैन, इवा हाइनमैन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन चार लोगों के लेके बना है, जिनमें से एक थे प्रोफेसर गेडरिच जो मारे जा चुके हैं, दूसरा मैं हूँ और इवा फिलहाल के लिए दो और लोगों के साथ है। वो लोग इवा का इस्तेमाल करके योहान से मिलना चाहते हैं। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं लेकिन मैं उन्हें नहीं रोक सकता। वो सब पागलपंती करने वाले हैं, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। डॉक्टर टेनमा उन्हें रोक लो डॉक्टर टेनमा, उन्हें बचा लो डॉक्टर टेनमा। इसके बाद जनरल वुल्फ का हाथ पकड़ लेते हैं टेनमा, और तब वुल्फ बोलते हैं मेरा असली नाम है हेलमट वुल्फ, जो लोग मुझे जानते थे वो सब मर चुके हैं, मेरा नाम लो, यही मेरा प्रूफ है कि मैं दुनिया में था। डॉक्टर टेनमा प्लीज मेरा नाम लो डॉक्टर टेनमा। इसके बाद टेनमा बोलते हैं तुम हेलमट वुल्फ हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हेलमट वुल्फ हो। और इसके बाद वुल्फ बोलते हैं तो योहान ने ये देखा था एक दुनिया बिना नाम की, और इसके बाद वुल्फ की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नीना लिप्सकी और डीटर पहुंच चुके होते हैं रेड रोज मैंशन में। वो देखते हैं रेड रोज मैंशन जल चुका होता है, वहां पे ताला लगा हुआ होता है, लेकिन लिप्सकी उस ताला को तोड़ने की कोशिश करता है। नीना बोलती है अब इसका कोई फायदा नहीं, लिप्सकी मुझे पता है तुम्हारी बहुत सारी यादें इसमें जुड़ी है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और तब लिप्सकी बोलता है सिर्फ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट था, शायद इससे तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाती। इसके बाद नीना बोलती है मैंने एक विजन देखा था, इस मैंशन के मेन हॉल के अंदर बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। इसके बाद डीटर बोलता है तुम्हारा विजन सच हो गया, मैंने न्यूज में देखा यहाँ पे 46 लोगों के स्केलेटन को डिस्कवर किया गया है। इसके बाद लिप्सकी बोलता है तो योहान ने तुमसे जो बताया था ये बिल्कुल वैसा ही है। और इसके बाद नीना बोलती है मुझे नहीं पता मेरे भाई ने मुझे क्या बताया था,
क्या योहान ने यह सब खुद देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा? ये कितना भयानक नजारा था। अगर ये सब मैं खुद देखती तो मैं खुद भी एक मॉन्स्टर में बदल जाती। इसके बाद लिप्स्की बोलता है, नीना ये अच्छा हुआ कि ये जगह जल गई। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब ये जगह थी तब मुझे ऐसा लगता था जैसे इसके बिना मैं नहीं जी सकता, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। शायद ये सब इसलिए क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत बुरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करता था। मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन अगर मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता तो शायद आज रियलिटी कुछ और होती, शायद मैं एक अनचाहा बच्चा नहीं होता। इसके बाद डीटर बोलता है, मिस्टर लिप्स्की क्या आपके माँ बाप अभी भी जिंदा हैं? और उसके बाद लिप्स्की बोलता है, हाँ वो जिंदा है, लेकिन मैं उनके साथ कभी रहा नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है अगर नीना की मेमोरीज वापस आती हैं तो सिर्फ उसकी अच्छी मेमोरीज ही वापस आए, पता नहीं ये अच्छी मेमोरीज क्या होती हैं। इसके बाद डीटर बोलता है, टेनमा ने कहा था अगर तुम्हारे पास अच्छी मेमोरीज नहीं है तो तुम्हें आज ही से अच्छी मेमोरीज बनानी चाहिए। इसके बाद ये सब जाते हैं मेले में अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए, जहाँ पे पहले ये बेबीलेट का गेम खेलते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद कुछ मूर्तियाँ देख के उन्हीं की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, और इसके बाद ये जाते हैं सॉसेजेस खाने के लिए। यहाँ पे नीना बोलती है, डीटर तुम्हारे मुंह के चारों तरफ केचप लगा हुआ है। और डीटर बोलती है, हाँ नीना तुम्हारे मुंह के चारों तरफ भी लगा हुआ है। इसके बाद लिप्स्की और डीटर हंसने लगते हैं। लिप्स्की बोलता है, नीना मैं एक नया पपेट शो बना रहा हूँ। नीना बोलती है, किस तरह का पपेट शो? और इसके बाद लिप्स्की बोलता है, मुझे पता है मेरे पपेट शो को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है ये वाला पपेट शो उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। इसके बाद नीना बोलती है, मुझे देखना है। और इसके बाद ये सब घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लिप्स की कहानी सुना रहा होता है। कहानी में एक लड़की होती है जो बोलती है, मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं है, मुझे ऐसा सपना आता है कि जैसे मॉन्स्टर मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है कभी ना कभी तो मेरे पास कमाल के सपने होंगे और उन सपनों को मैं पूरा भी करूंगी। मुझे उम्मीद है कभी ना कभी तो मैं सपनों को पूरा करूंगी। इसके बाद लिप्स्की बोलता है, बस मैंने अभी तक इतना ही सोचा है, आगे की कहानी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एक हैप्पी एंडिंग दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं नीना के आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं, वो शुक्रिया अदा करती है क्योंकि ये नीना की ही कहानी है। इसके बाद नीना अलग हो जाती है लिप्स्की से। लिप्स्की की आवाज़ हम बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, जो बोलता है, उस लड़की ने डिसाइड किया है कि वो एक जर्नी पे जाएगी, उसे नहीं पता है कि वो जर्नी कैसे होने वाली है, उसके सामने कौन से खतरे हैं, लेकिन वो हिम्मत से काम करेगी और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगी। जाते वक्त वो लड़की पीछे मुड़ती है और बार बार हाथ हिलाने लगती है। इसके बाद वो लड़की चली जाती है ताकि वो एक हैप्पी एंडिंग ढूंढ सके। इसके बाद हम देखते हैं लिप्स्की को, जो मायूस अपने रूम के अंदर बैठा होता है, तभी कोई दरवाजा नॉक नॉक करने लगता है। लिप्स्की खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद नीना वापस आई है। ये दरवाजा जाके खोलता है, लेकिन यहाँ पे होता है इंस्पेक्टर लूंगे। इंस्पेक्टर लूंगे बोलता है, मिस्टर लिप्स्की मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम रेड रोज मैंशन के ओनर फ्रांस बोनापार्टा के बेटे हो ना। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा, कमाल सा, धासू सा, मजेदार सा लिख देना। और अगर तुम चाहते हो कि इसके रेगुलर एपिसोड हम रेगुलरली लाते रहें, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, वरना इस बार योहान को नहीं भेजूंगा, इस बार फ्रांस बोनापार्टा को ही भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है? तो बजाओ घंटी।